हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले या क्विक अनाउंसमेंट, आप लोगों के आशीर्वाद एंड ब्लेसिंग की हेल्प से मैं यहाँ तक आई हूँ कि मैंने अपना हेयर ऑयल, एंटी हेयर फॉल हेयर ऑयल, एंटी हेयर फॉल शैम्पू रेडी कर दिया है एंड वो बहुत जल्दी मार्केट में आएगा, वो भी लो कॉस्ट, जिसको कोई भी अफोर्ड कर सकता है। एंड जहाँ पे आप इतने महंगे एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स कर रहे हो अपने बालों के झड़ने के लिए, बहुत महंगे सिरम ले रहे हो, लगा रहे हो, दिस हेयर शैम्पू एंड हेयर ऑयल आपका गेम चेंज कर देगा। एंड जैसे वो मार्केट में आएगा आई अपडेट यू। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कीजिए एंड यहाँ पे मैं सारे प्रोडक्ट्स की अपडेट दे दूंगी। अब बात करते हैं वीडियो के टॉपिक की। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ एक एंटी ब्लोटिंग हमारा डाइट, जिसकी हेल्प से ब्लोटिंग स्वेलिंग बाय बाय हो जाएगी इन जस्ट 24 आवर्स। नाउ आई विल गिव यू अ बेसिक एग्जांपल। कल मेरी एक क्लाइंट है, वो वापस आई, उनकी फैमिली में एक सीनियर की किडनी की डेथ हो गई थी एंड वो वहाँ पे गए। 13 डेज वो वहाँ पे रहे एज अ बड़ी बहू होने के खातिर। वहाँ पे गए, उनको वही खाना पड़ा, पानी का इंटेक ठीक नहीं हुआ, कुछ ऐसे चीज़ें हुई कि वहाँ पे जब वो वापस आए उनका 3 से 4 किलो वेट गेन था। पूरी बॉडी जो थी उनकी ब्लोट थी, स्वेलिंग थी और वो ठीक फील नहीं कर रहे थे। उन्होंने 2 दिन ये डाइट करा एंड 3rd डे शी इज़ बैक टू नॉर्मल रूटीन पे। अगर आपका कोई इवेंट है, आप कहीं फंस गए या कोई गैस्ट्रिक इशू हो गया, आपको बहुत अच्छे से लीन दिखना है एंड आपको पता है यार मैं लीन हूँ, स्टिल मैं ब्लोट फील कर रही हूँ एंड इट्स लाइक स्वेलिंग ऑन माय फेस, मेरे टमी पे एक बलून की तरह स्वेलिंग है और मैं क्या करूँ कि मुझे कल तक प्रॉपर मैं वापस शेप में आ जाऊँ अपने, देन फॉलो दिस डाइट। ब्लोटिंग आती क्यों है, स्वेलिंग आती क्यों है आपकी बॉडी के अंदर? या तो गैस्ट्रिक इश्यूज हैं आपको, या किसी मेडिसिन का रिएक्शन है, या आपने पानी बिल्कुल नहीं पिया है, या पानी पिया है तो बहुत ज़्यादा पानी पिया है, बहुत ज़्यादा तीखा मिर्ची का या जंक फूड आपने बहुत ज़्यादा खाया है, कुछ ऐसा खाना खाया है जो आपको सूट ही नहीं करा, या फिर आपने लेट नाइट बहुत स्ट्रेस लेके खाना खाया, या कुछ ऐसे इंसिडेंट आपकी ज़िंदगी में हो गए हैं जिसकी वजह से आपको ओवर स्ट्रेस एंड ओवर एन्जाइटी हुई है एंड लगातार 6 से 7 दिन तक आप बिल्कुल ठीक फील नहीं कर रहे हो और आपकी पूरी बॉडी स्वेलन हो जाएगी। खुद तो स्ट्रेस हो, पूरी बॉडी को भी स्ट्रेस दे रखा है एंड उसके साथ साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप डाइट करते हो जंक खाते हो, डाइट करते हो जंक खाते हो, अगर आपका ये सिलसिला चल रहा है तब भी आप ब्लोट और स्वेल फील करोगे। दिस डाइट इज अ एंटी ब्लोटिंग डाइट, स्वेलिंग को बाय करेंगे इन जस्ट 24 आवर्स। इस डाइट का मैजिक इंग्रेडिएंट है हमारा कड़ी पत्ता। कम से कम 30 से 40 कड़ी पत्ते लगेंगे इस वाली डे के अंदर, एक दिन के डाइट के अंदर। सो मेक श्योर अगर आपके पास कड़ी पत्ते का पेड़ होना चाहिए, पौधा होना चाहिए, नहीं है तो पड़ोसियों से हेल्प लो और उनसे कड़ी पत्ता अरेंज करो। स्टार्ट करते हैं दिस डाइट विद माय फैट कटर ड्रिंक, वो भी लेमन की, कैसे बनानी है चलते किचन में। फर्स्ट थिंग इज हम बना रहे हैं डी ब्लोट हमारी अच्छी खासी एक फैट कटर ड्रिंक। इसके लिए पानी गर्म किया है, पानी गर्म करने के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कुछ लेमन के स्लाइसेस, एक पूरा नींबू है जो अच्छे से हम इसको बॉईल होने देंगे इस पर बहुत अच्छे से। अब ये जैसे ही बॉईल हो रहा है इसको विद द हेल्प ऑफ मैशर हम अच्छे से मैश कर देंगे लेमन को, इसके पील को, और गैस को अब हम कर देंगे बंद। हार्डली 2 से 3 मिनट के लिए इसको उबाला देना है, विद पील के साथ हमने इसे बॉईल करना है एंड ये हमारी फैट कटर ड्रिंक जो मॉर्निंग की लेमन का बॉइल्ड वाटर है बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा कड़वा होगा पीने में, बट कड़वी बातें भी तो सुन ही लेते हो ना, तो ये भी चलेगा हमें, है ना। इसको हम छानेंगे अच्छे से एंड दिस फैट कटर ड्रिंक इज एब्सोल्युटली रेडी। बहुत बढ़िया, आपको 90% स्वेलिंग तो मॉर्निंग में ही खत्म हो जाएगी इसकी। अब हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। नाउ ब्रेकफास्ट में अगेन मैं यहाँ पे देना चाहूँगी आपको करी पत्ता की मूंग दाल की खिचड़ी, और ये खिचड़ी इतनी यम्मी है ना, इतनी यम्मी है, मतलब कल बारिश हो रही थी मैंने बना के रखी थी, मैंने कल डिनर में पूरी खाई है। इसमें कड़ी पत्ते का तड़का है, प्याज का तड़का है एंड इट्स सुपर यम्मी एंड सिंपल एंड उसके साथ साथ आपका टमी खाने के बाद आपको थैंक यू बोलेगा। अब हम यहाँ पे बना रहे हैं हमारी खिचड़ी नाश्ते की, बहुत सिंपल सी खिचड़ी है। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है यहाँ पर, सबसे कहते हैं ना चमकदार इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर दिखेगा वो दिखेगा। यहाँ सबसे पहले डालूंगी जीरा, इसको भुनने दो अच्छे से, सड़ने दो इसको। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कड़ी पत्ता, हमें इसके अंदर मुट्ठी भर कड़ी पत्ता डालना है, जैसे आप देख रहे हो इतने सारे कड़ी पत्ता डाल। मैं इसके अंदर डालूंगी हमारे प्याज, थोड़े से प्याज, ज़्यादा नहीं, छोटा आधा प्याज, एक बंदे के लिए बना रहे हैं हम।
कड़ी पत्ता आप देख रहे हो मैंने कितने सारे डाले हैं और बहुत सारे कड़ी पत्ता ही डालने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है दलिया, अब कोई सा भी दलिया आप यूज़ कर सकते हो, 2 चम्मच जितना दलिया है मेरे पास। ये मैंने लिया है मेरा ग्लूटेन फ्री दलिया, आप वीट का दलिया भी ले सकते हो, बार्ले का दलिया ले सकते हो, कोई मिलेट्स भी ले सकते हो, जो आपको मिले वो लेंगे। फिर है मेरे पास येलो मूंगे की दाल, अगेन 2 चम्मच सेम क्वांटिटी में। नेक्स्ट इसको अच्छे से मिक्स, अब डालेंगे इसमें पानी। अब इसके अंदर हम डालेंगे मसाले। मसालों में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ यहाँ पे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी धनिया पाउडर, खूब सारा है ना, मिक्स मिक्स मिक्स। इसको सीटी लगाएंगे, गिनती का ये बन जाएगा, लगा लो 3 से 4 मिनट के अंदर। पहली सीटी तेज आंच पे, दूसरी सीटी सेम आंच पे और ये रेडी। सो हियर वी गो, हमारी कड़ी पत्ते वाली खिचड़ी बिल्कुल रेडी है, सो सिंपल। अगर आपको कड़ी पत्ता वाली खिचड़ी नहीं खानी है देन मेरे चैनल पे मूंग दाल की वाइट राइस में खिचड़ी है, वो आप फॉलो कर सकते हैं, या मेरे चैनल पे जितनी भी खिचड़ीज हैं आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, बट मेक श्योर तड़का लगाते समय 10 से 20 कड़ी पत्ता आपने डालना ही डालना है। अब हम बात करते हैं जी मिड ब्रेकफास्ट में। नाउ मिड ब्रेकफास्ट में आप लोगे एक बनाना, केला आपने लेना है, एंड मेक श्योर जो केला आप लोगे ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड केला नहीं लेंगे, सॉफ्ट से भी सॉफ्ट गला हुआ केला लेंगे। एंड उसके साथ आप लेंगे 1 कप शतावरी की टी, जो मैं हमेशा मिड ब्रेकफास्ट में आपको बताती हूँ शतावरी की टी कैसे बनानी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। पपाया नहीं लेना, कोई और फ्रूट नहीं लेना, जस्ट बनाना, वो भी पूरा का पूरा गला हुआ, बेस्ट फॉर स्टमक एंड प्रोबायोटिक का काम करेगा। अब हम बात करते हैं जी हमारे लंच की। नाउ लंच में मैं यहाँ पे आपको देना चाहती हूँ आलू पनीर एंड ओट्स की बड़ी स्वाद सी टिक्कियाँ, उसके अंदर भी मैंने डाली है मेरे कड़ी पत्ता। सो कैसे बनाना है चलते हैं किचन में। ओके, यहाँ पे अब हम बना रहे हैं लंच और बहुत सिंपल सा लंच मैं बना रही हूँ। थोड़े से मैं डालूंगी यहाँ पे प्याज, मेरे पास है हमारा जिंजर, थोड़ी सी कद्दूकस की हुई जिंजर, यहाँ पे मेरे पास है अगेन हमारा सदाबहार एंटी ब्लोट हर्ब जिसको हम कहते हैं कड़ी पत्ता। डाल दो जी, कंजूसी नहीं करनी कड़ी पत्ते में, ठीक है, बढ़िया से हमने 10-20-30 जितने डाल दो कड़ी पत्ता, बढ़िया। अब इसके हम जिग-जिग करेंगे इसको, ठीक है, ऐसे जिग-जिग करने के बाद, ये इतना सस्ता आता है ना ये वाला इक्विपमेंट, वो बड़ी काम की चीज है, ठीक है। और इसमें डाल दो सारा अच्छे से। अब आलू लेते हैं, एक बॉइल्ड आलू जो कि काम करेगा बिल्कुल तगड़ा प्रोबायोटिक का। अच्छे से आलू को मैश कर दो, सोचो अपनी फ्लोटिंग को मैश कर रहे हो तुम, बढ़िया मोटापे को डाल दिया। नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी हमारी पनीर, अब ये मेरी होममेड पनीर है, ठीक है, घर का बना मेरा पनीर, डाल दो जी बढ़िया से, इसको भी अच्छे से मैश करो, ठीक है जी। नेक्स्ट अब हम ये ले रहे हैं, ये है ओट्स जो होते हैं ना रो ओट्स, उसको हमने पीस दिया, तो 2 चम्मच जितने हमारे ओट्स अच्छे से मिक्स कर दो। अब मेरे नेल्स लगे हुए हैं, इसको अब हम अच्छे से किसी की हेल्प से मैश करा के आटा गूंथते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से मसाले, सबसे पहले डाल रहे हैं नमक, फिर डाल रहे हैं धनिया पाउडर, फिर डाल रहे हैं थोड़ी सी अजवाइन, फिर थोड़ी सी हम डालेंगे सूखी हुई हमारी मेथी। अब इन सबको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से। ओके, नेक्स्ट फिर मैंने लगाया घी, अच्छे से मिक्स करा। अब हम बनाएंगे इसके टिक्की, ये ली मैंने एक थोड़ी सी, इट्स रेडी।
तो यहाँ पे अब हम इसको अच्छे से सेकेंगे। सो हैवी गो, हमारी एकदम करारी करारी ना, बहुत करारी करारी टिक्की बिल्कुल रेडी है। तो बढ़िया सा लंच है ना ये, रात तक आपको भूख नहीं लगेगी। और जो कहते हैं ना डाइट में क्रेविंग्स, वो बिल्कुल टाटा बाय बाय, ट्रस्ट मी बिल्कुल टाटा बाय बाय। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हमारी हरी चटनी, घर की बनी हुई अम्बी वाली चटनी, ठीक है। और अब हम डालेंगे इसके ऊपर थोड़े से कच्चे प्याज, इसको पता है क्या कहते हैं, पनीर आलू की ओट्स की टिक्की। और ये ब्लोटिंग में बहुत हेल्प करता है, बॉयल्ड आलू चला गया, पनीर चला गया, ओट्स चला गया, हमारा काफ़ी प्रोबायोटिक की चीज़ें चली गई, सो बड़े अच्छे से हेल्प करता है। और ये रहा हमारा लंच। आप मेक श्योर करोगे कि आप पूरे दिन यही डाइट फॉलो करोगे, मेरे चैनल से और कोई रेसिपी टिक टिक नहीं करोगे, लंच में हम यही लेंगे, एक दिन की बात है और एक दिन के लिए रेसिपी इनफ है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इवनिंग टी की। नाउ इवनिंग टी के अंदर मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँगी मेरी जिंजर पील टी, जिंजर एंड लेमन की पील टी, मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी है, आप इसको बनाओ लीजिए एंड मेक श्योर उसके बाद आप कुछ नहीं खाएंगे, नथिंग, कुछ भी मत लीजिए, जस्ट ये टी लेंगे सिप सिप करके एंड दैट्स इट। उस दिन आप क्रेविंग भी नहीं करोगे, ना किसी फूड की तरफ देखोगे, बॉडी देखो यार कितनी ख़राब कर रखी है आपने। अब हम बात करते हैं डिनर की। नाउ डिनर में द सूप जो मैं अब बताने जा रही हूँ आपको, कल पूरे घर में इतनी महक थी जब मैंने इसको शूट करा, आई कॉन्ट टेल यू, मतलब मेरे पास टाइम नहीं होता मैं व्लॉग बनाऊँ, इतनी अच्छी महक थी इसकी। एंड ये सूप के अंदर मैंने हर्ब्स ऐड करे हैं, लेमन ग्रास मैंने ऐड करा इसके अंदर, रोजमेरी एंड करी पत्ता एज वेल, सुपर यमी। एंड बताऊँगी कैसे बनाना है, चलते हैं किचन। यहाँ पे हम बना रहे हैं ग्रीन सूप एंड हम इसको कहते हैं डी ब्लोट सूप। ये घिया के साथ, हर्ब्स के साथ बनता है, घिया के साथ हम बहुत सारे हर्ब्स डालते हैं तब ये सूप बनता है। एंड ये इंस्टेंटली आपकी जो ब्लोटिंग है उसको बाय बाय करता है। इसमें हम अगेन डाल रहे हैं कड़ी पत्ता। सो आपने नोट किया होगा कि हर रेसिपी में आज कड़ी पत्ता है। कड़ी पत्ता बहुत स्ट्रांगली ब्लोटिंग हटाता है, यूरिन बहुत अच्छे से पास कराएगा, आपका मोशंस अच्छे से पास कराएगा। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ धनिया, धनिया है हरा वाला। फिर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ घिया, एक घिया, मैंने इसको टेस्ट करके देखा था कड़वा नहीं है। मेक श्योर एवरी टाइम आप घिया यूज़ करते हैं उसको टेस्ट करके देखो कि वो कड़वा तो नहीं है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लेमन ग्रास, अगर आपके पास ताज़ा लेमन ग्रास का पत्ता है पूरा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच जितना लेमन ग्रास। थोड़ी सी मैं इसके अंदर डालूंगी ड्राई हमारी रोजमेरी, क्योंकि मेरे पास ड्राई है, ताज़ी नहीं है। रोजमेरी नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, बट लेमन ग्रास आपने ऐड करना ही करना है। मेरे सारे क्लाइंट्स के पास रोजमेरी है क्योंकि उनको मैं ऐड करती रहती हूँ डाइट के अंदर ना। नाउ इसके अंदर मैंने डाल दिया पानी, मैंने इसके अंदर डाला है 1.5 से 2 गिलास पानी। और अब हम इसको विसल कराएंगे, सीटी लगवाएंगे बहुत अच्छे से। सो ये हो गया रेडी। ओके, पूरे घर में हर्ब्स की इतनी ब्यूटीफुल, इतनी प्यारी खुशबू आ गई है ना, और इसको पीने के बाद तो आपका टमी भी आपको थैंक यू बोलेगा। अब ये बॉइल्ड हो चुका है, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फिर इसको ब्लेंड करेंगे, छान के हम इसे लेंगे। सो ये कर लिया हमने ब्लेंड। ओके, सो अब हम इसको स्ट्रेन करेंगे, छानेंगे बहुत अच्छे से। एंड हियर वी गो, इट्स रेडी। आप इसमें सॉल्ट डाल सकते हो अगर आपसे पिया ना जाए तो, बट ये पीने लायक है बहुत अच्छे से। एंड ये इंस्टेंटली ब्लोटिंग खत्म करेगा 24 आवर्स में, एंड सुबह उठते हुए यू विल गेट योर फ्लैट स्टमक। ये जो सूप है ये आपको पूरी रात फाइट करेगा आपकी ब्लोटिंग से। नेक्स्ट मॉर्निंग आपका स्टमक बहुत अच्छे से क्लियर होगा, नेक्स्ट मॉर्निंग आपको पॉटी बहुत अच्छा आएगा, एंड आप मुझे कमेंट करके थैंक यू भी बोलोगे नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि आपका एक दिन में 1.5 से 2 किलो टाटा बाय बाय हो जाएगा। जो टमी है आपका बिल्कुल फ्लैट दिखेगा, एंड आपकी जो आउटफिट है वो आपको पक्का पक्का आ जाएंगे, एंड उसके साथ साथ आप ठीक फील करोगे, आप फिट फील करोगे। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस डाइट। एंड उसके साथ साथ आपने क्या करना है, बाहर नहीं जाना, पूरे दिन शांति से घर बैठना है, लूज़ कपड़े पहनने हैं, कॉटन के टाइट फिटेड कपड़े नहीं पहनने हैं, एंड उसके साथ साथ पानी ज़रूर पीना है,
3 लीटर का पानी आपने सिप सिप करके पीना है एंड यूरिन को होल्ड नहीं करना. जस्ट पास योर यूरिन. आ रहा है गो टू अ वॉशरूम पास, बिल्कुल होल्ड नहीं करना. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, स्ट्रेस नहीं लेना, ना देना है, देना नहीं है ना. एंड उसके साथ साथ अगर कोई भी नेगेटिव चीज़ आप तक आती है, कोई फ्रेंड आपको कॉल करती है फॉर पिचिंग या कोई भी इंसिडेंट होता है जिसमें नेगेटिव चीज़ें आपको दिख रही हैं, आपने नहीं करना. आपने पॉजिटिव रहना है एंड पॉजिटिव लाइफ जीनी है. उसकी हेल्प से ही आपकी जो डाइट है वो आगे चलेगी, आपका माइंड पीसफुल होगा. मेंटल हेल्थ दीज डेज रियली इम्पॉर्टेंट. अगर आप मेंटली फिट नहीं हो, आप ठीक नहीं हो, आपकी बॉडी हेल्प नहीं करेगा आपको रिकवरी करने में. टेक केयर जी, बाय बाय.